दोस्तों, क्या आपने कभी सराप को माइक्रोस्कोप में देखा है? क्या कि सराप माइक्रोस्कोप में कैसे दिखाई देती है? तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। लेकिन 11 और 11 कितने होते हैं कमेंट में बताना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले सराप की कुछ बूंदों को स्लाइड के ऊपर रखते हैं, इसके बाद एक छोटे स्लाइड को रखते हैं और अब इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे अच्छी तरीके से सेट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अब हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, सराप माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके की दिखाई देती है।